Hey guys, welcome back to our channel विज्ञानपू. This is अजय शर्मा and dear students, ये हमारा lecture number 09 होने वाला है electrostatic potential and capacitance का. So अगर आपने previous videos नहीं देखी है तो आप इस video के description में जाएं, वहाँ पर आपको एक link मिलेगा, click on that link and watch all other videos. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल placed in an uniform external field. When a dipole is placed in an uniform external field, तो उसके अंदर जो है कितना potential energy store होगा, उसके अंदर कितना potential energy आएगा. Okay, so dear students, let's start the class. So, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी, एंड मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है. सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में बच्चा पार्टी, कोई आपका एक डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. चलो भी, तो सपोज करो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है. This is minus Q charge and this is your plus Q charge. Okay, now P vector किधर होगा? P vector क्या होता है? Dipole moment vector किधर होने वाला है? This is going to be in this direction. ये जो है वो मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट वेक्टर मेरा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है. ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है. ओके, मैं मान के चल रहा हूं आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है. सो पी वेक्टर जो है आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हो गया है. नाउ दिस इज अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा है? यूनिफॉर्म है. एंड सपोज करो बच्चा बाड़ी, ये एंगल जो है आपका थीटा है. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल? इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा? लुक, इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा? देखिए भी यहां पे दो चार्ज है ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, एंड माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा माइनस क्यू ई या फिर क्यू ई. एंड बच्चा पार्टी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना लगता है आपका? जीरो होता है. नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा अगर डाइपोल मेरा रखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में. तो फिर यहां पे क्या आता है? यहां पे आपके पास एक टॉर्क आता है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में हमने कोई डाइपोल रखा है तो बच्चा पार्टी वहां पर फोर्स तो आपका जीरो होता है, नेट फोर्स आपका जीरो होता है, बट देयर इज अ टॉर्क. यहां पे टॉर्क आता है, यहां पे जो एक टॉर्क आ जाता है. अब ये टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होता है? दिस टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. ये हमारा टॉर्क होता है पी क्रॉस ई. ओके, चलो अभी है ना, तो देखो. सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन. So consider a dipole. Consider a dipole placed in an uniform placed in an uniform external field. Okay, bachcha baadi. Now let's find F net. F net क्या होगा? फोर्स ऑन प्लस क्यू, यही तो होता है.
यही तो होता है। नाउ प्लस क्यू पे फोर्स क्या है आपका क्यू ई है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू ई है। सो बच्चा पार्टी नेट फोर्स कितना हो जाता है मेरा, जीरो हो जाता है। और ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा कि अगर मेरा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है तो नेट फोर्स क्या होता है मेरा, जीरो होता है। बट माई डियर स्टूडेंट्स देयर इज अ टॉर्क, यहाँ पे एक टॉर्क आता है एंड दिस टॉर्क इज P vector cross E vector, this torque is P vector cross E vector, that is P vector and E vector के बीच में क्या है हमारा यहाँ पे cross product है, यहाँ पर मेरा cross product है। So जब कोई डाइपोल आपका यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है तो वहां पर नेट फोर्स जीरो आता है, बट देयर इज अ टॉर्क एंड ये टॉर्क क्या होता है मेरा, पी क्रॉस ई होता है। कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है। Yes, so torque आता है and that torque is P vector cross E vector. That torque is P vector cross E vector. Okay, now listen very carefully. ये torque करता क्या है, देखिए force क्या करता है, force जो है ना किसी भी body को linear motion provide करता है, whereas टॉर्क क्या करता है, टॉर्क जो है ना उस बॉडी को जो रोटेट करता है, लाइक सपोज करो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है तो इसको जो है रोटेट करेगा लाइक दिस विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो सेम काम हमारा यहाँ भी हो रहा है, सेम काम हमारा यहाँ भी हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो रहा है, देखिए ये आपका पी वैक्टर है, ये आपका ई वैक्टर है, दीज आर द टू वैक्टर्स, ये आपका पी वैक्टर है, ये आपका ई वैक्टर है। नाउ आप टोर्क का डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, टॉर्क जो है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, टॉर्क जो होगा मेरा पी वैक्टर की तरफ जाइए, पी से आप ई वैक्टर की तरफ आ जाओ, P से आप E वेक्टर की तरफ आ जाओ, तो टॉर्क बच्चा पार्टी मेरा कैसा लग रहा है यहाँ पर, टॉर्क जो है वो मेरा क्लॉकवाइज लग रहा है ना, टॉर्क मेरा यहाँ पर क्लॉकवाइज लग रहा है। P वेक्टर से E वेक्टर में जाइए तो देखो किधर लग रहा है, ये क्लॉकवाइज लग रहा है। तो ये टॉर्क जो है ना आपका इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझे आप, अरे ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे है। नाउ टॉर्क जो क्लॉकवाइज लग रहा है तो टॉर्क जो है, टॉर्क जो है आपका ये इसको ऐसे ऐसे जो है इसको ये घुमाने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, समझे, ऐसे इसको घुमाने की कोशिश करेगा ये। ओके, सो बच्चा पार्टी ये जो मेरा टॉर्क है, दिस टॉर्क, ये टॉर्क क्या करने की कोशिश कर रहा है, दिस टॉर्क टेंड्स टू rotate the dipole in clockwise direction. Yes or no? Clockwise direction में इसको ये घुमाने की कोशिश करेगा, अभी करेगा ना करेगा। अब मुझे इसको घुमाने नहीं देना है ना, मुझे इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए बच्चों मुझे एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, मुझे एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से रोके। देखिए ये आपका टॉर्क लगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं ऐसे टॉर्क लगाऊंगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, जो इसको घूमने से रोकने की कोशिश करेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, suppose an external torque is applied on the dipole, क्या आपको दिख रहा है ये, suppose an external torque is applied on the dipole
in such a manner that it neutralizes the effect of this torque. कौन सी torque का? इस torque का जो है, इस torque का जो है, ये जो ये वाला torque जिसको घुमाने की कोशिश कर रहा था, हमने एक opposite direction में जो है एक torque लगा दिया, external torque लगा दिया, और वो इसके effect को क्या करेगा? Neutralizes करेगा, neutralizes the effect of this torque and rotates the dipole, rotates the dipole in anti-clockwise direction from theta naught to theta 1. क्लियर? यहां तक वीडियो पॉज करके आप कॉपी करिए, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट. ओके, सो व्हाट वी हैव डन येट नाउ कि कंसीडर डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, एफ नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, टॉर्क कितना होने वाला है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होने वाला है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. अब इसके अफेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए वी हैव टेकन एन एक्सटर्नल टॉर्क, एंड दैट एक्सटर्नल टॉर्क इज रोटेटिंग द डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1 एट वेरी infinitely small angular speed without any angular acceleration. देखो बच्चों, वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि देखिए, हम यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहेंगे, हम यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहेंगे, तो जो मैंने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है वो इसको वेरी वेरी स्लोली घुमाएगा, वेरी वेरी स्लोली घुमाएगा विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन के वो उसको वेरी वेरी स्लोली घुमाएगा. नाउ टेल मी, क्या ऐसा करने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा? यस, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, एंड वो कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, वो हम फाइंड करेंगे, और वही मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा. यस और नो, आप लोग जानते होंगे ना, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्दर. सो वर्क डन by the external torque, work done by the external torque to rotate the dipole from theta naught to theta 1. थीटा नोट से थीटा 1 रोटेट करने में कुछ काम करना पड़ेगा, एंड ये कितना काम करना होगा? नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट्स, देखिए, क्या यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, एफ डॉट डी आर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, या फिर यहाँ पर मैं एफ ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बताओ, जल्दी बताओ, या फिर मैं टॉर्क डॉट डी थीटा ये वाला अप्लाई करूंगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? यहां पे बच्चों मुझे ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपने क्लास 11th रोटेशन में पढ़ा होगा, है ना, क्लास 11th रोटेशन में आपने पढ़ा होगा कि देखिए, अगर कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वहां पर हम वर्क कैसे निकालते हैं, वहां पर हम वर्क निकालते हैं tau dot d theta करके, हम लोग वहां पर वर्क निकालते हैं. आई थिंक आपको याद होगा,
कि देखिए जब आप रोटेशनल मोशन आता है ना, वहां पर वर्क डन जो है वो मेरा बनेगा टाउ डॉट डी थीटा करके, यहां पर आप एफ डॉट डी आर नहीं लगा सकते। अब मैंने देखिए मेरा टॉर्क क्या है, वेरिएबल है ना मेरा टॉर्क, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, बिकॉज टॉर्क क्या है मेरा, टॉर्क इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर व्हिच इज पी साइन थीटा। तो ये भाई साहब ना थीटा भी डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स टॉर्क मेरा वेरिएबल है। तो बच्चों हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, सो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, अपनी थीटा नोट से थीटा वन, जो इसकी लिमिट लग जाएगी, बिकॉज आप डाइपोल को कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, आप डाइपोल को थीटा नोट से थीटा वन घुमा रहे हैं, थीटा नोट से आप इसको थीटा वन घुमा रहे हैं। सो वर्क डन इज टाउ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा वैक्टर एंड द लिमिट इज फ्रॉम थीटा नोट टू थीटा वन, लिमिट इज फ्रॉम थीटा नोट टू थीटा वन। नाउ थीटा नोट से थीटा वन आपका लिमिट है, नाउ टाउ एक्सटर्नल डी थीटा। अब बच्चों टाउ एक्सटर्नल और डी थीटा में एंगल कितना है, बिकॉज ये आपका डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, देखिए आप कैसे इसको रोटेट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो आप इसको जो है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, साथ में आपका जो टॉर्क लगेगा वो भी कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, बिकॉज टॉर्क मेरा ऐसा लग रहा था तो उसके ऑपोजिट हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है ना, तो आपका ऐसे मूव करेगा। सो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, जीरो एंगल हो गया। सो दिस इज कोस ऑफ जीरो डिग्री, ये हमारा बन चुका है कोस जीरो डिग्री। एंड कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है, कोस जीरो का वैल्यू हमारा होता है वन, कोस जीरो का वैल्यू होता है हमारा वन। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा बन गया, क्या बना ये मेरा, ये मेरा बना थीटा नोट से थीटा वन टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, ये बन गया। ओके नाउ टाउ एक्सटर्नल, सो डियर स्टूडेंट दिस इज फ्रॉम थीटा नोट टू थीटा वन, नाउ टाउ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा मेरा, वही पी ई साइन थीटा हो जाएगा, पी ई साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा, बिकॉज देखो बच्चों आप इसको लिंक करके चलो, टाउ एक्सटर्नल जो हमने लगाया है वो ऑलमोस्ट उसको नेग्लीफाई करता है ना, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो मेरा टाउ का है, इसका वैल्यू वही है जो मेरा टाउ का है, एंड टाउ का वैल्यू क्या होता है, पी क्रॉस ई, दैट इज पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स पी आपका कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो वी विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा नोट टू थीटा वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी पी ई, साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा, एंड ये आपका थीटा नोट से बच्चा पार्टी थीटा वन, थीटा नोट से दिस इज माइनस कोस थीटा। ओके नाउ ऑन अप्लाइंग अपर लिमिट वी विल गेट माइनस ऑफ कोस थीटा वन, एंड बच्चा पार्टी लोअर लिमिट अप्लाई करने पर ये आपका बनेगा माइनस का कोस थीटा। ओके नाउ इज इट विजिबल, यस ठीक है भाई। नाउ ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो मेरे पास आने वाला है क्या, आने वाला है मेरे पास पी ई कोस थीटा नोट माइनस कोस थीटा वन, पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, और ये मेरा आ चुका है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। एंड डियर स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन जो है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल टॉर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो डेल्टा यू that is potential energy is equals to work done by the external work force, यहाँ पे external torque आएगा, is equals to PE cos theta naught minus cos theta 1।
ओके सो बच्चा बट ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है। ओके अब यहाँ पे हम लोग अजम्पशन लेने वाले हैं, यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेंगे जैसे कि हमने वहाँ उस केस में अजम्पशन लिया था। देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनिशियली दैट इज थीटा नोट जो है आपका पाई बाय टू है। तो अगर थीटा नोट मेरा पाई बाय टू है बच्चा पार्टी, सो कोस थीटा टू जो आपका जीरो हो जाएगा, इनिशियल दैट इज थीटा नोट इक्वल टू पाई बाय टू, जो आपका जो यू इनिशियल जो है उसको हम लोग जीरो अज्यूम करते हैं। ओके सो हमने यहाँ पर क्या जम्पशन लिया है, हमने जम्पशन ये लिया है कि इनिशियली जो मेरा डाइपोल जो है वो आपका पाई बाई टू पर रखा हुआ है, पाई बाई टू पर रखा हुआ है एंड वहाँ पर मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। सो दिस डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू बच्चा पार्टी पी ई कोस पाई बाई टू माइनस ऑफ कोस थीटा वन, सो ये आपका जीरो हो जाएगा एंड वी विल गेट माइनस पी ई कोस थीटा वन, ये भी मेरा जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास यू फाइनल आ चुका है, यू फाइनल मेरे पास आ चुका है माइनस पी ई कोस थीटा वन, माइनस पी ई कोस थीटा वन, माइनस पी ई कोस थीटा वन। नाउ अब अगर आपको किसी थीटा के लिए निकालना है तो यू कैन राइट माइनस पी ई कोस थीटा, सिंपली माइनस पी ई कोस थीटा। ओके नाउ इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये मेरा बनेगा पी ई कोस थीटा। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट एंड रिमेंबर दिस रिजल्ट, बाकी आप कर लेंगे। ओके सो किसी भी एंगल थीटा के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहता है मेरा, माइनस पी डॉट ई वेक्टर, माइनस पी डॉट ई वेक्टर। ओके नाउ अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि आपने जो है ये पाई बाई टू पर पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो क्यों लिया, व्हाई यू हैव अज्यूम दिस, इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस, इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस कि इनिशियली आई एम टेकिंग द डाइपोल एट एन एंगल ऑफ थीटा बाई टू एंड एन एंगल ऑफ पाई बाई टू फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, व्हाई आई एम टेकिंग दिस, व्हाई आई एम टेकिंग थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू एंड पोटेंशियल एट पाई बाई टू इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हम क्यों ले रहे हैं। सो बच्चों ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अक्सर कोई टीचर आपको बताता नहीं है ये बात, बट ये विज्ञानपुर है यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई आई हैव टेकन दिस पोटेंशियल एट पोटेंशियल एनर्जी एट पाई बाई टू इक्वल्स टू जीरो, व्हाई। देखो भी सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी हैव डिस्कस्ड कि यू थीटा जो होता है वो मेरा माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा, या फिर मेरा ये बन जाएगा माइनस का पी ई, माइनस का पी ई कोस थीटा। इन दो फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है स्टिल। नाउ नाउ लेट्स डिस्कस, मानो बच्चों ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है एंड ये एक्सटर्नल फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है। ओके एंड दिस इज योर पी वेक्टर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्या मुझे आप बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम, क्या आप मुझे पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? यस 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 यस। कैसे? अरे भूल जाओ कि ये आपका डाइपोल है, भूल जाओ कि एक बार ये डाइपोल है, ये मेरा सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है, ये मेरा सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट, ये मेरा क्या है, ये बच्चों मेरा एक डाइपोल, ये मेरा एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, लेक्चर नंबर 06 देखिएगा एक बार अगर आपने नहीं देखा है। तो क्या होगा फिर, कैसे फाइंड करेंगे हम इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, हम कैसे फाइंड करेंगे?
तो सिंपली क्या करना है, देखो सिंपली क्या करना है आपको कि पहले जो है इस इन्फिनिटी से लेके इस चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे लेके आ जाना है, फिर आप इसको लेके आइएगा, है ना, ये जो किए थे हम लोग। फिर जब आप इसको लेके आओगे तो इसके कारण भी है जो है आपका क्या बनेगा, इसके कारण भी आपका एक पोटेंशियल इधर बनेगा एंड वो उसको अपोज करेगा, करेगा नहीं करेगा, अभी करेगा कि नहीं करेगा, समझे आप? अगर नहीं समझे हो तो लेक्चर नंबर 06 जाके देखो एक बार। सो दिस इज बेसिकली सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। नाउ जब आप इस माइनस क्यू को लेके आए तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा बच्चों कितना, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए, लेट सपोज ये मेरा वी ए है, क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद जब आप इस क्यू को लेके आए यहां पर तो कितना काम करना पड़ेगा, प्लस का क्यू इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी, यस और नो, बोलो चमका, बोलो चमका। So, यहां पे Q into लेट सपोज ये पॉइंट आपका B है, साथ में बच्चों एक काम और करना पड़ेगा बिकॉज ये भाई साहब भी तो आ गए हैं, अब ये भाई साहब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपका एक पोटेंशियल बनाएंगे ना इधर, एंड वो पोटेंशियल के अगेंस्ट भी तो कुछ किया है आपने, एंड यहाँ पे कितना होगा बच्चा बाडी, फिर Q into ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल कितना आएगा मेरा, माइनस का के क्यू अपोन सेपरेशन कितना है 2a, क्या चमका, बोलो चमका, चमका, q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2a। जब आप इसको यहाँ लेके आ रहे हो बच्चों तो ये वाला यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बनाएगा, उस पोटेंशियल के कारण कितना काम करना पड़ेगा मुझे, q इंटू माइनस के क्यू अपॉन 2a। सो दिस इज वॉट, q कॉन्स्टेंट कॉमन निकाल लीजिए q यहाँ पर, सो वी विल गेट vb माइनस va माइनस का बच्चा पार्टी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, तो ऐसे भी जो है ना आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझे? अब सुनो आगे, q इंटू vb माइनस va। सो बच्चों यहां पे मुझे पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, बट मुझे क्या दे रखा है, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दे रखा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का कुछ रिलेशन होता है क्या? यस, डेफिनेटली वी हैव रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, यस और नो, बोलो चमका, था ना बच्चों ये, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, बोलो चमका, क्लियर है भी, सबको क्लियर है ये? ओके, सो बच्चा बाड़ी यहां पे हम लिख सकते हैं vb माइनस va, दिस विल बी माइनस, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2a, है ना, एंड ये क्या है आपका बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये तो आपको दे रखा है, सो दिस इज गोइंग टू बी e into 2a cos theta, e into 2a cos theta। ओके, समझ गए? अरे बच्चों 2a डिस्प्लेसमेंट है ना इनके बीच का, बट हम लोगों ने यहाँ पे cos थीटा क्यों लगाया है, cos थीटा क्यों लगाया है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स की डायरेक्शन वाला मुझे क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो अगर ये थीटा है तो ये मेरा cos हो जाएगा, ये मेरा a cos थीटा हो जाएगा, यहाँ भी मेरा क्या होगा, a cos थीटा होगा। तो देखो ऐसे है ये, This is like this. ये आपका कुछ ऐसे है, जो मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ये आपका कुछ ऐसे है, देखो मान लो ये आपका A सेंटर है ये डाइपोल का, तो ये क्या होने वाला, A होने वाला है। सपोज कर लो ये एंगल आपका थीटा है, सो बच्चा बाड़ी ये कंपोनेंट क्या आएगा आपका, A cos थीटा आएगा। सिमिलरली ये कंपोनेंट भी क्या आएगा आपका, A cos थीटा आएगा ना, अरे A cos theta आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यस। नाउ E dot delta r, सो दिस इज गोइंग टू बी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां पे मेरा क्या बनेगा, cos theta आएगा ना, E into delta r, डिस्प्लेसमेंट into cos theta,
और डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों के बीच का, 2a है, सो माइनस ऑफ e इंटू 2a cos थीटा, तो क्या मैं इसको यहाँ पर रख दूँ, बोलो चमका कि नहीं चमका, अरे चमका कि नहीं चमका, समझे इस बात को आप, मैंने यहाँ पे रख दिया उसको इधर, ओके नाउ देखिए माइनस बाहर q इंटू 2a e cos थीटा माइनस का kq स्क्वायर बाय 2a, बोलो चमका, यस नाउ लुक ये क्या होता है, यही तो मेरा डाइपोल होता है, सो दिस इज माइनस पी ई कोस थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई टू ए। अब बच्चा बाड़ी देखो, किसी भी अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो वहां पर मेरा क्यू फिक्स्ड रहेगा, वहां पर मेरा ए फिक्स्ड रहेगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है मेरी, कॉन्स्टेंट है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है बच्चों मेरी, कॉन्स्टेंट है। एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के अंदर कॉन्स्टेंट का जो है, कॉन्स्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, कॉन्स्टेंट जो आपका इनसिग्निफिकेंट होता है, तो मेरे पास देखो वही फॉर्मूला आ गया माइनस का पी ई कोस थीटा, और वही फॉर्मूला हमने बच्चों अभी पहले निकाला है माइनस पी ई कोस थीटा, बोलो समझे। तो आप इसको एज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड से भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दिस लाइक दिस, वही आपका डेल्टा यू आया है, सो डेल्टा यू इज क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इनिशियल को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, सो ये मेरे पास आ चुका है माइनस पी कोस थीटा, और वही बच्चों मेरे पास यहाँ भी आया था। तो आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट लाइक दिस, ओके। सो बोलो चमका, अगर चमका है बच्चों को तो कमेंट कर दो, विज्ञानपुर की जय हो, विज्ञानपुर की जय हो। कुछ आपने एक्स्ट्रा पढ़ा, कुछ आपने हटके पढ़ा है कि मैं डाइपोल को जो है ना एज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस भी कंसीडर कर सकता हूँ, और वहाँ से बच्चों हमने निकाला कि सेम मेरा वही रिजल्ट आता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के अंदर कॉन्स्टेंट जो होता है वो मेरा इनसिग्निफिकेंट होता है, सो वी कैन इग्नोर दैट, वी कैन इग्नोर दैट। अब आपके मन में ये आया होगा कि सर आप तो हमें वो बताने वाले थे कि वाई मैंने थीटा को जो है पाई बाई टू लिया और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने ज़ीरो कंसीडर किया, हमने वो क्यों किया। देखो उसके पीछे भी रीज़न है, लुक यही अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, सपोज करो अगर यही थीटा मैं मान लेता हूँ पाई बाई टू, ये मेरा माइनस क्यू, ये मेरा प्लस क्यू, ओके नाउ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट इज 90 डिग्री, ओके नाउ अब क्या होगा, अब देखिए अब हम वही निकाल रहे हैं। तो पहले मैं इस माइनस क्यू को यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे लेके आए तो बच्चों क्या बनेगा, ये दिस विल बी हाउ मच, ये क्या बनने वाला है, लुक लुक लुक, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए प्लस क्यू इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी, ओके देन प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन टू ए इंटू क्यू, समझ गए बच्चों, भी हमने वही किया है। नाउ दिस इज क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, ओके एंड दिस विल बी माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अभी तो कॉन्स्टेंट है ना, ये तो आपका इनसिग्निफिकेंट है, ये तो आपका इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ से डेल्टा यू जो है मेरा क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। नाउ बच्चों डेल्टा वी क्या होता है मेरा, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर होता है, ये होता है। नाउ दिस इज माइनस ऑफ बच्चा पार्टी, देखिएगा ध्यान से ई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, डेल्टा आर आपका ऐसे है, यस और नो, दिस इज अ डेल्टा आर, अरे डेल्टा आर यही तो होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू लो या फिर प्लस क्यू से माइनस क्यू लो, एक ही बात है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, सो जब कोस 90, सो दिस इज कोस 90 डिग्री एंड कोस 90 जीरो, तो बच्चा पर डेल्टा वी मेरा जीरो हो गया, दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए मेरा जीरो हो गया, दैट मीन्स डेल्टा यू मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए आप यू एट पाई बाई टू को आप क्या मान लेते हो, जीरो डिग्री मान, जीरो मान लेते हो, पोटेंशियल एट पाई बाई टू को जो है आप जीरो मान लेते हो, समझे।
और ये बात मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना ही पोटेंशियल मेरा यहाँ पर, तो चेंज इन पोटेंशियल मेरा जीरो हो गया। सो क्यू इंटू जीरो जीरो हो गया। सो यू कैन अज्यूम द पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पाई बाय टू इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो ऐसे ये लॉजिक है, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड अज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी एट पाई बाय टू इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज वी बी माइनस वी ए मेरा क्या हो गया वहां पर, जीरो हो गया। क्लियर? अगर समझ गए हो तो बोलो बच्चा गुड। हाउ इज द सिचुएशन, हाउ इज योर कंडीशन नाउ? क्लियर? सो ये रीजन था बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम करने का वहां पर। ओके, नाउ वी विल डू सम ऑफ द केसेस। सो बच्चों केस वन हम लेके चल रहे हैं, पहला हम कुछ केस पढ़ने वाले हैं। केस वन हम लेके चल रहे हैं कि जब थीटा जो है वो मेरा 90 डिग्री हो, जब थीटा मेरा 90 डिग्री हो दैट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू रखा हुआ है। नाउ टेल मी एफ नेट क्या होगा? एफ नेट तो भाई साहब हमेशा जीरो होगा। अगर आपका फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स आपका हमेशा जीरो होगा। नाउ टॉर्क देखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई, दैट मींस पी साइन 90 डिग्री। सो टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर, टॉर्क विल बी पी ई, टॉर्क यहाँ पे मेरे पास आ चुका है पी ई। ओके, नाउ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगा, फॉर्मूला क्या था मेरा, माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दैट इज माइनस पी ई कोस थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आने वाला, यहाँ पर यू जो है वो मेरा जीरो होगा, यहाँ पर मेरा यू जीरो होगा। नाउ केस टू, केस टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि जब थीटा जो है ना आपका जीरो डिग्री हो जाए, जब थीटा आपका जीरो डिग्री हो जाए दैट मीन सपोज करो ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यही है। नाउ यहाँ पर बच्चों एफ नेट क्या होगा मेरा, जीरो होगा। नाउ टॉर्क देखते हैं, टॉर्क इज पी क्रॉस ई, दैट मीन्स पी ई साइन थीटा, एंड यहाँ पे साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो मेरा जीरो होता है, तो टॉर्क कितना गया बच्चों, टॉर्क यहाँ पर मेरा जीरो आ गया। अब आपने पढ़ा होगा कि देखो बच्चों अगर एफ नेट मेरा जीरो होता है, अगर एफ नेट मेरा जीरो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एंड जब टॉर्क मेरा जीरो है इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड बच्चों जब दोनों ही मेरा जीरो हो जाए, जब दोनों ही मेरा जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो बच्चों जब थीटा मेरा जीरो डिग्री है, जब थीटा मेरा जीरो डिग्री है तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला, यहाँ पर मुझे इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलने वाली है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलने वाला है। दैट मीन्स आपका नेट फोर्स भी जीरो है, आपका टॉर्क भी जीरो है। ओके, चलो अब हम फाइंड करते हैं एनर्जी। सो एनर्जी इज माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा, कोस थीटा, एंड यहाँ पे थीटा इज जीरो डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस का पी ई। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बच्चों जीरो नहीं होगा, एंड ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा मिनिमम है, ये बच्चों हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। एंड इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अरे बच्चों अज्यूम करो ना, अगर आप में एनर्जी ही नहीं है,
अगर आप में एनर्जी ही नहीं है तो क्या आप स्टेबल रहोगे अनस्टेबल रहोगे? स्टेबल रहोगे ना, समझे? आपका एनर्जी ही बहुत कम है, नेगेटिव एनर्जी जा रहा है, आपके पास एनर्जी ही नहीं है, तो आप किधर रहोगे फिर? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहोगे ना, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहोगे। तो ये है आपका केस टू। ओके, नाउ क्लास 11 बच्चों आपने पढ़ा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो सपोज करो भी ये आपका ऐसे है और यहाँ पे हमने कोई पत्थर रखा, बड़ा सा मोटा पत्थर रखा हुआ है, इसके नीचे मैं आपको बिठा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो बोलो क्या ये पत्थर आपके ऊपर गिरेगा? गिरेगा ना, यस गिरेगा, है ना। दैट्स वाई मैंने यहाँ से आपको हटा दिया, यहाँ पर मैं आपको नहीं बिठा रहा। ओके, यहाँ मैं आपको नहीं बिठा रहा। ओके, नाउ सपोज करो कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर क्या ये पत्थर जो है आपका पहले की पोजीशन में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। जब आपने इस पर थोड़ा फोर्स लगाया तो क्या ये आपका पहले की पोजीशन में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है ये, यहां पर सभी फोर्सेस आपकी जीरो तो हैं, बट कैसा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर मैंने हल्का सा यहां पे फोर्स लगाया तो ये वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। नाउ सेकंड केस, अगर यही आपका ऐसे होता, नाउ टेल मी अगर यहां पर मैं हल्का सा फोर्स लगाता तो क्या ये आपका ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता? यस, तो दैट्स वाई वी कॉल इट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब यही हमारा यहां भी लॉजिक लगने वाला। देखो कैसे, ये मेरा डाइपोल है, इसको मैंने हल्का सा यहां पे ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा? अभी यहां पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पे फोर्स इधर लगेगा अपना, एंड यहां पर चार्ज कैसा है मेरा? माइनस क्यू, फोर्स मेरा इधर लगेगा, एंड उस दोनों फोर्स के कारण यहाँ पे डाइपोल बनेगा, एंड डाइपोल जो है इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाएगा। यस और नो बोलो। चमका, देखिए ये आपका ऐसे था, हमने हल्का सा यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया, अब यहाँ पर प्लस क्यू ही फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ऐसे आपका माइनस क्यू ही लग रहा है, तो देखो वापिस टॉर्क लगेगा एंड उस टॉर्क के कारण वापिस अपनी ये ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा। That means ये केस मेरा किसका है? स्टेबल इक्विलिब्रियम केस। यहाँ भी देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, और आप इसको पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल जो है वो मेरा मिनिमम है, मेरा एनर्जी जो है वो मिनिमम है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, तो मेरा कंडीशन किसका होने वाला है? स्टेबल कंडीशन होने वाला है। नाउ केस थ्री, केस थ्री जब थीटा क्या हो जाए मेरा 180 डिग्री हो जाए, जब थीटा मेरा 180 डिग्री हो जाए, दैट मींस इस बार आपका डाइपोल माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू यहाँ पर है, तभी तो आपका देखो ये पी वेक्टर होगा इधर, इधर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एंगल कितने दोनों के बीच में 180 डिग्री है। अब यहाँ देखो एफ नेट क्या होगा? फिर से ज़ीरो। टॉर्क क्या होने वाला है? अगेन PE साइन ऑफ 180 डिग्री, तो ये फिर से ज़ीरो होगा। अब इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो कि द सिस्टम इज़ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? येस। नाउ फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी माइनस PE cos of theta, theta is 180 degree, so cos 180 is minus 1, so this is बच्चा पार्टी plus PE, तो यहाँ पर potential energy मेरा आया है PE, और ये मेरा maximum value है, and जब potential मेरा energy मेरा maximum हो तो वो condition कैसी होती है? वो condition हमारी unstable condition होती है। So this is the condition of unstable equilibrium. This is the condition of unstable equilibrium. और इस बात को जो है ना आप इसकी हेल्प से भी समझ सकते हो। कैसे? कैसे देखो जरा, ये आपका डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू है, मैंने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया। ओके, नाउ यहाँ पर मेरा चार्ज कैसा? माइनस क्यू है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस पर फोर्स किधर लगेगा?
इस पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा है ना, एंड यहां जो मेरा प्लस क्यू है उस पर फोर्स इधर लगेगा। ओके अब ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स जो है ना इसको, ये फोर्स जो है इसको इधर घुमाएगा। तो क्या ये इनिशियल पोजीशन पर आ पाया, नहीं आ पाया ना, पहले आपका ये ऐसे था, ये फोर्स लगाया हमने इस पर थोड़ा हल्का, हमने इसको डेविएट किया, डिस्प्लेस किया, यहाँ पे फोर्स मेरा ऐसे लग रहा है बिकॉज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा, ऐसे तो घूमेगा ये, तो क्या ये इनिशियल पोजीशन पे आ पाया, नहीं आ पाया ना। तो जब इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पाता है तो वो मेरा क्या होता है, वो बच्चों मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, वो मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करें। ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर आपके क्वेश्चंस मिलते हैं अक्सर एग्जाम में, कि वर्क डन इन रोटेटिंग एंड डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। सपोज करो बच्चों ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पर सपोज करिए इनिशियली आपका डाइपोल ये ऐसा है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये आपका एंगल जो आपका थीटा वन एंगल बना रहा है, अब इसको मुझे डिस्प्लेस करना है एस से, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू और ये मेरा एंगल थीटा टू है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा है ना, वर्क डन कितना काम करना पड़ेगा। ओके सो कैसे फाइन करें, कैसे फाइन करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, इस डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा। ओके सो लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, कि देखिएगा सुनिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाल लेते हैं, पहले हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क कितना काम करेगा। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, डेल्टा यू, यस और नो। अरे बच्चों यही तो मेरा डेल्टा यू होता है, समझ रहे हो, एक्सटर्नल टॉर्क जो काम करता है वही तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, एंड डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इज इट ओके, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब फाइनल पोजिशन क्या है आपकी, यू थीटा टू है, इनिशियल पोजिशन क्या आपकी, यू थीटा वन है। ओके नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यू थीटा, दिस इज माइनस ऑफ पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर, या फिर माइनस पी ई साइन, सॉरी माइनस पी ई कोस थीटा, isn't it, yes, so यहां पे u theta 2 क्या हो जाएगा, this will be minus of pe cos theta 2 minus u theta 1 क्या हो जाएगा, minus का pe cos theta 1, समझ गए। सो बच्चों हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें केवल ये याद रखना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल आपका आने वाला डेल्टा यू, डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट मीन्स यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन, एंड यू थीटा का फॉर्मूला मेरा ये होता है, ये इसको मैं यहाँ पुट कर लूँगा और आई विल गेट द रिजल्ट, मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, सो वो क्या आएगा, दैट विल बी व्हाट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क है ना, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस का डेल्टा यू, यस और नो, माइनस का डेल्टा यू होगा बिकॉज दीज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ डेल्टा यू, वही सेम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे करके जो आप इसको बना लोगे बच्चों, बना लोगे आप इसको। कॉन्सेप्ट बेस्ड हम दो चुनु मुनुस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए आपका, कि ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे है,
ओके नाउ सपोज करो इनिशियली आपका माइनस क्यू, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये आपका 2a इनके बीच का है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। एंड फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल जो आपका ये कंडीशन है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, ये अगेन 2a, दिस इज योर फाइनल कंडीशन। ओके नाउ यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके इन रोटेटिंग द डाइपोल लाइक दिस, चलो वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू डू दिस। ओके ओके हो गया, 1 2 3 हो गया। देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होने वाला है, दैट मीन्स एंगल क्या है मेरा, जीरो है ना, तो थीटा वन यहाँ पे मेरा जीरो है, यहाँ पे ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, सो यहाँ पे थीटा टू क्या है बच्चों मेरा, थीटा टू यहाँ पर मेरा 180 डिग्री है। हमें कुछ नहीं करना बच्चों, जो मैंने बताया आपको, देखो कि W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। दिस विल बी डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल बोले तो यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन। नाउ डियर बच्चा बाटी, यू थीटा टू क्या हो जाएगा मेरा माइनस का P डॉट E होता है ना, यस और नो, ज्ञानपुर की जय, P डॉट E होता है, सो PE cos थीटा 2 एंड यहां पर थीटा 2 क्या है मेरा 180 डिग्री है। माइनस नाउ यू थीटा 1 क्या होता है, माइनस पी डॉट ई, सो अगेन माइनस पी ई कोस थीटा 1, थीटा 1 इज व्हाट, 0, तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा। माइनस पी ई कोस 180 इज माइनस का 1, नाउ दिस इज गोइंग टू बी प्लस, एंड बच्चा कोस 0 मेरा 1 होता है, तो ये मेरा पी ई हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये मेरा प्लस का पी ई। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर आ चुका है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज 2 times PE। बोलो चमका, समझ गए भी, तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे भी किसी भी डाइपोल को रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा। अगर यही आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट पूछता तो कैसे निकालते, ये इसका जस्ट नेगेटिव हो जाता, यारे हो जाता उसका नेगेटिव, समझे। चलो एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन सर, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। चुन। चलो अभी ये आपका एंगल जो इनिशियली आपका सपोज कर लो 60 डिग्री है, ये इसका इनिशियल कंडीशन है, बोलो स्वाहा। नाउ फाइनल कंडीशन आपका डाइपोल जो है वो हमने ऐसे रोटेट कर दिया इसको, ये मेरा प्लस क्यू यहाँ पे आ चुका है, ये मेरा माइनस क्यू यहाँ पे आ चुका है, एंड बच्चों ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। सो अच्छा सवाल है, वही निकालना है अपने को, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। ओके सो वीडियो पॉज करिए एंड इसको सॉल्व करो। ऐसा कर कमाल है विज्ञानपुर, कुछ कमाल करो करो बच्चों, कुछ आप लोग भी कमाल करो, है ना, विज्ञानपुर ट्रेंडिंग में आ जाए, कुछ ऐसा आप लोग भी करिए। चलो भी देखो, भी बन गया, आओ देखिए, सेम वही अपने को W निकालना है, W इज डेल्टा U, डेल्टा U इज
वही यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन। अब आप एक मिस्टेक पता क्या करोगे, एक मिस्टेक आप यहाँ पे जरूर करोगे, क्या थीटा वन तो मान है मेरा 60 डिग्री है, थीटा टू को भी आप 60 डिग्री ले लोगे एंड बच्चों वो आपका गलत हो जाएगा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, सो ये 60 है तो ये एंगल होगा ना मेरा थीटा टू 120 डिग्री। अल्ले 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 बाबू को समझ नहीं आया, अरे बच्चों नहीं समझे क्या तुम? देखो ये मेरा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये मेरा डाइपोल मोमेंट है। सो बच्चों मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा ना, ये एंगल देना पड़ेगा ना मुझे, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री, सो थीटा 2 इज 120 डिग्री। समझ गए, थीटा 2 आप 60 मत लीजिएगा। अब तो सर हम लोग बिंदास होके सुखरेंगे है ना, आपने बता दिया थीटा 1 थीटा 2 ये है ना, यू थीटा इज क्या माइनस का पी ई कोस थीटा 2, थीटा 2 इज 120 डिग्री हियर, कोस थीटा 2 इज 120 डिग्री हियर, नाउ माइनस ऑफ अगेन माइनस पी ई कोस थीटा 1 एंड थीटा 1 इज 60 डिग्री। बायो वालों आपने बायो क्यों ली है, बोलो कॉस 120 का वैल्यू कितना आएगा, कॉस 120 इज माइनस हाफ प्लस पीई, कॉस 60 इज हाफ, सो दिस इज पीई बाय 2 प्लस पीई बाय 2 एंड योर आंसर इज पीई। समझ गए, तो आप किसी भी एंगल से उसको आप रोटेट कीजिए, कहीं भी आप उसको रोटेट करो, योर वर्क डन इज निकालना वेरी वेरी सिंपल है ना, अभी कैसे करोगे आपको मैंने बता दिया है। सो दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये आपका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप जिसे कमेंट करेंगे आंसर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, ई वैक्टर आपका ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका ऐसे है। नाउ इनिशियली इनिशियल कंडीशन हमारा ये है, इनिशियल कंडीशन ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है बच्चों, माइनस क्यू ये है, ये आपका प्लस क्यू है। ओके, एंड वही सब आपको पी तो मानना ही है साथ में। ओके, एंड ये जो एंगल जो है, दिस एंगल इज सपोज करिएगा, दिस एंगल इज दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, ये एंगल आपका 30 डिग्री है एंड दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। ओके, एंड फाइनल कंडीशन जो है आपका ऐसे बन रहा है, दिस इज योर फाइनल कंडीशन, ये आपका प्लस टू यहाँ पे आ चुका है, ये आपका माइनस टू यहाँ पर आया है, एंड ये जो एंगल है बच्चों ये आपका 60 डिग्री है एंड ये आपका फाइनल कंडीशन है, फाइनल पोजीशन है, वही आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बोलिए विज्ञानपुर की जय हो, ठीक है भी। सो अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आपकी जो डाउट है वो मैं ज़रूर सोल्व करूँगा। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।